बरेली थाना इज्जत नगर क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र रस्तोगी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑफिस पहुंचकर नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए एक शिकायती पत्र दिया। व्यक्ति ने बताया 6 वर्षीय बेटा 5 सितंबर को समय करीब शाम 7 बजे चाचा के घर से अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में नसीम अहमद उर्फ नसीमा पुत्र बुद्धू ने बच्चे को अकेला पाकर अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे बच्चे को पकड़कर घर में खींच कर ले गया और उसके कपड़े निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट में अश्लील हरकत की थी। मेरे बच्चे को खींच कर ले जाते पड़ोस में एक रिश्तेदार ने देख लिया तो भागकर मुझे बताया, तो मैं भागकर आया और बच्चे को बचाया। मैंने अपने घर पर आकर बच्चे से पूछा तो उसने उपरोक्त सारी बात मुझे बताई, तो मैं थाने में शिकायत करने के लिए घर से बाहर निकला ही था। नसीम अहमद उर्फ नसीमा अपने साथी बसीम सलीम पुत्रगढ़ बुद्धू अहमद अपने साथियों के साथ आकर मेरे घर में घुस आया और आते ही गंदी गंदी गाली दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। थाना इज्जत नगर में तहरीर दी, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। आज व्यापारी नेताओं के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की मांग की है। उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ, सुरेंद्र रस्तोगी मेरा नाम है। मैं ये हमारे साथी हैं राशिद अली जी, हमारे संगठन में जिला उपाध्यक्ष हैं और उनके भतीजे के साथ 5 सितंबर को छेड़छाड़ की दुर्घटना घटी। पुलिस ने दूसरे पक्ष से मिलकर के उस घटना का पूरा स्वरूप ही बदल दिया। उसकी तो FIR लिखी ही नहीं, उन्होंने 5 तारीख को ही थाने में जाकर के तहरीर दी। अधिकारियों से मिले, अगले दिन SSP साहब से भी मिले, सारे प्रार्थना पत्र दिए सभी को। लेकिन वो घटना जो बच्चे से छेड़छाड़ की थी, 6 साल का बच्चा है, वो बदल दी गई पूरी तरह से और उल्टे उनके भतीजे को पर एक मुकदमा लिख दिया और एक मुकदमा इनके ऊपर लिख दिया 452 का, घर में घुस करके मारपीट करने का। आज हम अभी SSP साहब से मिलने आए हैं और इस निवेदन के साथ मिलने आए हैं कि इसमें सबसे पहले तो ये FIR हो जो बच्चे के साथ छेड़छाड़ हुई है। 6 साल का बच्चा है, उसकी वीडियो भी बनाई है पुलिस ने और वो उसमें सारी बातें बता रहा है, उसके बावजूद अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसीलिए मिलने आए हैं। और उसके बाद जो है अगर ये कार्रवाई पर कुछ नहीं होता है तो आगे की रूपरेखा बना करके संगठन इसमें विचार करेगा, क्योंकि राशिद अली जी जो हैं हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं और इनकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। मेरा नाम रफीक शाह है। मामला यह है साहब, 5 तारीख की घटना है। मेरा नवासा लगभग उम्र उसकी 5-6 वर्ष की है, कक्षा 1 में पढ़ता है। मेरे घर से अपने माँ बाप के, मेरे दामाद भी गांव में ही रहते हैं, फरीदापुर चौधरी में इज्जत नगर पढ़ता है। वो अपने घर जा रहा था, रास्ते में एक नसीम नाम का लड़का है, नसीम उर्फ नसीमा, उसने अंधेरे का लाभ, लगभग 7:30-7 बजे की घटना है, उसको पकड़ लिया और उसको अपने घर में ले गया खींच के, और ले जाके उसका नेकर उतार दिया और नेकर उतारने के बाद में उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया उसने। जब बच्चा मेरा वो चीखा चिल्लाया नवासा मेरा, तो वो मोहल्ले के लोगों ने, किसी ने मुझे आके सूचना दी, मैं गया वहाँ, उस बच्चे को मैंने छुड़ाया। उसके बाद में वो लोग सब एक फिर इकट्ठे होकर मेरे साथ मारपीट करने लगे, मुझे मारा पीटा। फिर मैं 5 तारीख को ही थाना इज्जत नगर में FIR कराने गया, मेरी तहरीर लेकर लिख ली, कोई कार्रवाई नहीं की गई उस पर। दूसरे पक्ष ने अपनी फर्जी छोटे मोटे बना के और जो है पुलिस से साठगांठ करके और मेरे खिलाफ जो है FIR करा दी उन्होंने। मेरे खिलाफ जो है 452, 323, 504 FIR करा दी झूठी, क्योंकि पुलिस जो है उन लोगों से मिलकर साठगांठ करके ये सब खेल कर, 6 साल। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।